watching CMP TV, touching lives forever. योएल पहला बाब, खुदावंत का कलाम जो योएल बिन फतुएल पर नाजिल हुआ। ए बूढ़ो सुनो, ए जमीन के सब बाशिंदो कान लगाओ, क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के अय्याम में कभी ऐसा हुआ कि तुम अपनी औलाद से इसका तज़करा करो और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि जो कुछ टिड्डियों के एक गौल से बचा उसे दूसरा गौल निगल गया और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गौल चट कर गया और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गौल खा गया। ऐ मतवालो जागो और मातम करो, ऐ मैं नोशी करने वालो नई मैं के लिए चिल्लाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छिन गई है, क्योंकि मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ाई है जिसके लोग जोरावर और बेशुमार हैं, उनके दांत शेरे बब्बर के से हैं और उनकी धाड़ें शेरनी की सी हैं। उन्होंने मेरे ताकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे इंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है, उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया, उनकी डालियां सफेद निकल आईं। तुम मातम करो जिस तरह दुल्हन अपनी जवानी के शोहर के लिए टाट ओढ़ कर मातम करती है, नजर की कुर्बानी और तपावन खुदावंद के घर से मौकूफ हो गए। खुदावंद के खिदमत गुजार काहिन मातम करते हैं, खेत उजड़ गए, जमीन मातम करती है, क्योंकि गल्ला खराब हो गया, नई मैं खत्म हो गई और रोगन जाया हो गया। ऐ किसानों खजालत उठाओ, ऐ ताकिस्तान के बागबानों नौहा करो, क्योंकि गेहूं और जौ और मैदान के तैयार खेत बर्बाद हो गए, ताक खुश्क हो गई, इंजीर का दरख्त मुरझा गया, अनार और खजूर और सेब के दरख्त, हाँ मैदान के तमाम दरख्त मुरझा गए और बनी आदम से खुशी जाती रही। ऐ काहिनों कमरे कसकर मातम करो, ऐ मस्बा पर खिदमत करने वालों वावेला करो, ऐ मेरे खुदा के खादिमों आओ रात भर टाट ओढ़ो, क्योंकि नजर की कुर्बानी और तपावन तुम्हारे खुदा के घर से मौक